गरियाबंद जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आया है और रायपुर एम्स ने इसकी पुष्टि कर दी है। मरीज के पॉजिटिव होने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। मरीज को रायपुर एम्स के लिए रवाना किया गया है, साथ ही उसके परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों को भी आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है और बारीकी से नजर बनाई जा रही है। जिला प्रशासन सीईओ विनय कुमार ने बताया है कि छात्रा का इस दौरान कितने लोगों से संपर्क हुआ है, उनकी हिस्ट्री निकाली जा रही है और कवर्धा क्वारंटीन में उसके साथ रूम में कितनी लड़कियां थी, इन सबकी सैंपलिंग लेने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अभी कोटा से छात्रा का जो सैंपल पॉजिटिव आया तो अभी सबसे पहले कि उसकी हम जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो करवाएंगे, उसमें सबसे पहले प्राइमरी कॉन्टैक्ट से जिसके साथ मिली है उनका पता करवाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, उसके बाद हमारी तैयारी होगी अपने को कंटेनमेंट जोन पहले डिक्लेयर करना है। हम कोशिश करेंगे जितना हमारे कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर सके उस हिसाब से हमको अपना कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर करके वहाँ पर फिर हम स्ट्रिक्टली वहाँ पर आना जाना को वहाँ पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करेंगे।